राजस्थान अपडेट। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कर मेला मैदान में उपखंड स्तर पर 75वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि और थाना प्रभारी राकेश यादव ने झंडारोहण के साथ राष्ट्रगान किया। उसके बाद स्कूल की छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभारी के साथ सबक सलामी दी। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम की व्यवस्था नगर पालिका पुष्कर द्वारा करवाई गई। निजी और सरकारी स्कूल की छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। पालिका अध्यक्ष ने मंच से संबोधन करते हुए 75वें गणतंत्र दिवस पर देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को याद किया। इसके साथ ही पुष्कर में नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान में शामिल आमजन के सहयोग की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों कार्मिकों को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। थाना प्रभारी राकेश यादव ने मंच से संबोधन करते हुए प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों से अवगत कराते हुए मेला मैदान परिसर में उपस्थित गणमान्य नागरिक जन अधिकारी जन प्रतिनिधि स्कूल के छात्र छात्राओं को शपथ दिलवाकर जागरूक करने का संदेश दिया। सिविल डिफेंस वॉलेंटियर रमा देवी को घर बैठे बैठे किया सम्मानित। सूत्रों के मुताबिक खबर लगी है पशुधन परिचर पद पर पुष्कर पशु चिकित्सा में सिविल डिफेंस टीम द्वारा ड्यूटी पर लगाए जाने पर भी 2 माह से अनुपस्थित होने पर भी गणतंत्र दिवस पर किया गया सम्मानित। बस के उपलक्ष में सभी प्रदेशवासियों को जिलेवासियों को पुष्कर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पुष्कर नगर पालिका की ओर से आज गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ में मेला ग्राउंड के अंदर मनाया गया, जिसके लिए पुष्कर नगर पालिका को और उपखंड अधिकारी स्तर पर ये प्रोग्राम हुआ था, जिसके अंदर मैं सभी पुष्कर निवासियों को धन्यवाद देता हूँ और मैं बधाई देना चाहता हूँ पुष्कर उपखंड अधिकारी जी को, जो कि आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सम्मानित हुए हैं। बधाई देना चाहता हूँ हमारे अधिशासी अधिकारी जी को, यू साहब को, जो राम मंदिर निर्माण के अंदर वर्मा मंदिर का जो अच्छा डेकोरेशन किया, अच्छी साफ सफाई की, जिसमें उन्होंने सम्मानित हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पुष्कर के फाउंडेशन फियोर्दी लोटो को, जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं, जिनको इनको जिला स्तर पर आज सम्मानित किया गया। सर, इसमें आज जो सम्मानित हुए हैं पशु चिकित्सक विभाग की ओर से जो कुछ कार्मिक है उनके द्वारा 8 से 10 महीने से जॉब पे नहीं आ रहे, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आ रहे थे इसलिए सम्मान किया, अब नहीं आ रहे हैं वो। 8 से 10 महीने से ड्यूटी पे नहीं है, इसके लिए मैं पता लगाऊंगा, मुझे इस बारे में कोई मतलब ध्यान नहीं था।